जैन साथियों, आज हम अपने इस नई क्लास में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में जो हमारी तैयारी चल रही है, हमारा जो विषय है संविधान, उस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकार में जो समानता का अधिकार है उसमें संविधान ने हमें किस किस तरीके की स्वतंत्रता समानता दी रखी है, और हमने देखा कि मौलिक अधिकार में जो समानता का अधिकार है वो कई तरीके से है। जैसे हमने देखा अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो वर्णित है, हम एक बार जल्दी जल्दी सारे अनुच्छेद को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आपको रिमाइंड कर देते हैं। अनुच्छेद 14 यह था विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 यह था धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर समानता, तथा धर्म नस्ल जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, यह था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 था लोक नियोजन में या सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता, विधि के समक्ष समानता 14 में, 15 में धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, 16 अनुच्छेद में लोक नियोजन अथवा सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत करके इसे कानूनन अवैध घोषित कर दिया गया है, कानूनन अपराध कर बता दिया गया है, और इस प्रकार से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अंत कर दिया गया, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। शिक्षा तथा सैन्य क्षेत्र को छोड़कर उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया है। इतनी बातें हम लोगों ने अपनी कक्षा में की थी, और अब हम आज का हमारा जो विषय है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करते हैं कि हमारे
संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस किस स्वतंत्रता की बात करता है और प्रत्येक नागरिकों को किस तरीके की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में मिली हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, यह स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से बाईस के बीच में संविधान के मौलिक अधिकार के तहत स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में वर्णित है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 में किन किन स्वतंत्रता की बात को बतलाई गई। अनुच्छेद 19 में जिन स्वतंत्रता की बात को बतलाया गया है वह इस प्रकार है। इसमें कुल अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता की बात को बतलाया गया है। 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इस अनुच्छेद 19 में की गई है और हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को देता है। इसमें से हम हेडिंग डालते हैं अनुच्छेद 19 का ए। अनुच्छेद 19 का ए भारतीय नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। बोलने की अनुच्छेद 19 ए भारतीय नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। बोलने की स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो आप समझ रहे होंगे, किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करो। भारतीय संविधान में कुल, जैसा कि हमने 8वीं अनुसूची में देखा था कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, वैसे भी भारत अनेकताओं में एकता का देश है। जैसे जैसे हम भारत के अलग अलग भागों में विचरण करते हैं और देखते हैं कि वहाँ की संस्कृतियाँ, लोगों के रहन सहन, लोगों की भाषाएं वो अलग अलग प्रकार की हैं, तो अनुच्छेद 19 ए जो है वो भारत के भूभाग के अंदर निवास करने वाले समस्त नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। और इसी अनुच्छेद 19 ए के
के तहत एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जिसे हम सभी को ध्यान में रखना है, और ये आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि बोलने की स्वतंत्रता के तहत ही अनुच्छेद 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता को बताया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को इसी अनुच्छेद में बतलाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और जो है प्राय हम देखते हैं दैनिक जीवन में कि पत्रकारिता अथवा प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, तो वो जिस अनुच्छेद के तहत दी गई है वह है अनुच्छेद 19A। साथियों, भारतीय लोकतंत्र में इस प्रेस को अथवा पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ में चार स्तंभ कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता या मीडिया। तो जो मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, वह जिस अनुच्छेद के तहत दी गई है वह है अनुच्छेद 19A, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को जो है परिभाषित किया गया। अब आते हैं 19B में, अनुच्छेद 19B में। साथियों, अनुच्छेद 19B देश के किसी भी भाग में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता देता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर सभा करने की स्वतंत्रता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में आए दिन तरह तरह के मुद्दों को लेकर आंदोलन होते रहते हैं। कभी ये आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं तो कभी यह आंदोलन हिंसक हो जाते हैं, जिसमें हिंसा का प्रदर्शन होता है। लेकिन जो अनुच्छेद 19B है यह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब आते हैं अनुच्छेद 19C पर, कि अनुच्छेद 19C क्या कहता है। अनुच्छेद 19B जैसा कि हमने देखा कि शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता
देता हूं। अनुच्छेद 19 सी। साथियों अनुच्छेद 19 सी यह भारतीय नागरिकों को संघ अथवा यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। जैसा कि हम सभी देखते होंगे कि भारत में तरह तरह के संघ जो है प्रायः मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता होगा। जैसे मान लीजिए कि लेखपाल एक पद है तो अखिल भारतीय लेखपाल संघ, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, या जैसे मजदूर का संगठन है तो अखिल भारतीय मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय मजदूर संगठन, इस तरीके के संगठन संघ यूनियन हमें प्रायः देखने और सुनने को मिलते हैं और मीडिया के माध्यम से भी पता चलते हैं। तो जिस अनुच्छेद के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है वह है अनुच्छेद सी। लेकिन यहां एक ध्यान रखने वाली बात यह है, और जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है संघ बनाने की। आगे जब आप माइनर एक्ट में पुलिस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पुलिस बल को यूनियन बनाना जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है, पुलिस यूनियन नहीं बना सकती। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान, सैन्य के जवान, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस, इनको संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं। 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 डी। अनुच्छेद 19 सी जैसा कि आपने देखा यह संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन इस संघ बनाने की स्वतंत्रता के अनुक्रम में जो बातें हैं वो ये हैं कि पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और सेना, इन्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं। और मूल अधिकार 19 सी में भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 डी। अनुच्छेद 19 डी यह भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भूभाग में, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता देता है। जैसा कि हम बात करते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में निवास करते हैं और किसी कार्य से हमें दूसरे क्षेत्र में जाना होता है बिना किसी रोक टोक के, तो जिस अनुच्छेद के तहत यह स्वतंत्रता हमें मिली हुई है वह है अनुच्छेद 19 डी। अर्थात अनुच्छेद 19 डी के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 19 डी भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की आने जाने की स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 ई की। अनुच्छेद 19 डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद ई क्या कहता है। अनुच्छेद 19 ई कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, अर्थात आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप कर्नाटक में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, आप कर्नाटक में हैं, आप तमिलनाडु अथवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आकर बस सकते हैं, रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 ई देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है और प्रायः बहुत से लोग जानते होंगे अपने साथी, लेकिन हम बताते हैं कि अपवाद में है जम्मू एवं कश्मीर। अनुच्छेद 19 ही देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसमें जो अपवाद है, जहां नागरिकों को जम्मू एवं कश्मीर के बाहर के जो नागरिक हैं, जैसे जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम, अरुणाचल के निवासी हैं, वह उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो भी निवासी, वह जम्मू एवं कश्मीर में जाकर नहीं बस सकते, क्योंकि ऐसा अभी 2019 में जैसा कि हमने देखा था कि केंद्र सरकार ने 35 ए एवं 370 को, अनुच्छेद 35 एवं 370 को हटाकर जम्मू एवं कश्मीर जो पहले राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदला, लेकिन अनुच्छेद 19 ई जो देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता देता है उसमें अब भी जो अपवाद है वह है जम्मू एवं कश्मीर। अब अगली चर्चा हम करते हैं अनुच्छेद 19 एफ की, कि अनुच्छेद 19 एफ क्या कहता है। अनुच्छेद 19 एफ यह संपत्ति के अधिकार की बात करता है। संपत्ति का अधिकार की बात जो करता है वह अनुच्छेद 19 यह करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी लगन से संपत्ति बना सकता है, संपत्तियां अर्जित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद यफ जो संपत्ति के अधिकार की बात करता है, संपत्ति चाहे वो जंगम संपत्ति हो अथवा अस्थावर
यह जो मैं शब्द यूज किया हूं अभी, यह आप सभी के लिए नया शब्द है, लेकिन मैं इसकी चर्चा एक बार कर दे रहा हूं और इसकी चर्चा आगे भी मैं मूल विधि में करूंगा। संपत्ति दो तरह की होती है, चल अथवा अचल। जो चल संपत्ति होती है कानून की भाषा में, इसे ही जंगम संपत्ति कहते हैं। जंगम जो चल संपत्ति होती है, इसे कानून की भाषा में जंगम संपत्ति कहते हैं, और जो अचल संपत्ति है इसे कानून की भाषा में अस्थावर संपत्ति कहते हैं। जैसे आपके पास घर है तो यह अचल अथवा अस्थावर संपत्ति में आएगा, आपके पास अगर कार है तो यह चल अथवा जंगम संपत्ति में आएगा। तो इसकी चर्चा हम मूल विधि पढ़ाते समय एक बार फिर से करेंगे, जंगम और अस्थावर संपत्ति की। तो अनुच्छेद 19 यफ संपत्ति के अधिकार की बात करता है, लेकिन वर्तमान सिनेरियो में जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अब हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, अथवा विधिक अधिकार। अनुच्छेद 19 यफ में जो संपत्ति का अधिकार वर्णित था, अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अथवा विधिक अधिकार के तहत इसको शामिल कर लिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। और यह संविधान के चौवालीसवें संशोधन ১৯৭৯ द्वारा किया गया है। यहां से प्रायः ये सवाल एराइज होते हैं कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया, या संपत्ति के अधिकार को संविधान के जो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था इसको किस अनु संविधान के संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बनाया गया। तो आपका जो जवाब होगा वह होगा संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसे हम सभी को ध्यान में रखना है कि संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया।
अब हम आते हैं अनुच्छेद 19 जी की चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 19 जी भारत के भूभाग में निवास करने वाले नागरिकों को किस तरीके की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 जी यह भारत के नागरिकों को कोई भी व्यवसाय अथवा जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 जी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को कोई भी व्यवसाय अथवा जीविका चलाने की स्वतंत्रता देता है। आप देखते होंगे कि जब आप बाजार में निकलते होंगे, लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। कहीं कोई कपड़े का बिजनेस है, कहीं ऑटोमोबाइल्स की शॉप है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। तरह तरह की जीविका चलाने के जो साधन है या जो भी व्यवसाय लोग किए हैं, वह संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है, वह है अनुच्छेद 19 जी। तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के तहत इन्हीं तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद 19 में कुल 7 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए, और इसके अलावा किसी भी जगह पर, किसी सार्वजनिक जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता, इसके अलावा हमने देखा 19 सी में यूनियन संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भूभाग में बसने की स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर को छोड़कर, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, लेकिन अब उसे मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है संविधान के 44वें संशोधन 1979 के द्वारा। और जो 7वीं स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19 में, वह थी किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यवसाय जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये 7 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई थी। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 19 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के
संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 इसकी बात करता है। इसके तहत जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को वह इस प्रकार है, कोई भी अपराध जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसके लिए उसे सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने एक बार चोरी की और एक बार उसे सजा दी गई और उसके बाद फिर उसी अपराध के लिए उसको दोबारा से सजा दी गई, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 19 भी यही कहता है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही सजा मिलेगी। यह बात अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के तहत बतलाई गई है कि यदि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को न्यायालय में दोषी करार दिया जाता है तो उस अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी। और अगली बात जो बतलाई जाती है वो यह है कि व्यक्ति द्वारा जिस समय में अपराध किया गया, जिस समय में अर्थात संबंधित अपराध से संबंधित जो दंड था उसकी बात कर रहा है कि उस समय उस अपराध के लिए जो दंड निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी। अर्थात यदि कोई अपराध 2010 में हुआ हो और उस समय उस अपराध की सजा 1 वर्ष थी, लेकिन जब अदालत ने 2020 में उसे सजा दी या यूं कहिए कि 2010 में व्यक्ति ने जो अपराध की उसकी सजा उस समय 1 वर्ष थी, 2015 में उस अपराध की सजा को बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया और 2020 में जब फैसला आया तो उस अपराधी को किस कानून के तहत सजा मिलेगी? भाई जिस समय अपराध घटित हुआ उस समय जो कानून था उस कानून के तहत संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए थी,
कानून में संशोधन 2015 में हुआ और सजा को बढ़ाकर मान लीजिए 3 वर्ष कर दिया गया, और जो अदालत का आदेश आया वो 2020 में आया। तो व्यक्ति द्वारा जो अपराध किया गया था वह 2010 में किया गया था, तो उस व्यक्ति को 2020 में जो सजा मिलेगी वह 2010 में जो कानून बना था उसके अनुसार मिलेगी, और 2010 में जो कानून 1 वर्ष का था उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति को सजा मिलेगी। अर्थात इसमें अगली बात कहता है कि अपराध को जब पंजीकृत किया जाता है और अपराध जब होता है उस समय उस अपराध के संबंध में जो कानून बना था व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। यह बात अनुच्छेद 20 में दूसरी बात प्रमुख है, और इसी अनुच्छेद में एक तीसरी बात भी बतलाई गई है, और वो यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या का आरोपी है, उस पर किसी की हत्या करने का आरोप लगा है और वह वर्तमान समय में पुलिस की अभिरक्षा में है, और यदि पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए उसे बाध्य किया जाए कि तुम अदालत में स्वयं के खिलाफ गवाही दो और यह कहो कि हत्या मैंने की है, अगर इस तरीके की कोई बात स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कराई जाती है तो इसे अनुच्छेद 20 में प्रतिबंधित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो और जब आप इस परीक्षा को पास करके प्रशिक्षण में जाएंगे तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसमें दो शब्द आते हैं,
स्वीकृति और संस्वीकृति। स्वीकृति अर्थात एडमिशन और संस्वीकृति अर्थात कन्फेशन। यह हमारे दरोगा भर्ती की जो लिखित परीक्षा है उसके सिलेबस के थोड़ा बाहर है, लेकिन इसको मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं क्योंकि यह बातें आ गई हैं अनुच्छेद 20 में कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि जो गुनाह आप नहीं किए हैं उसके उसको भी आप एडमिट कर लें, उसका भी कन्फेशन कर लें कि आपने गुनाह किया है, ऐसा प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 20 में। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो शब्द आते हैं, मैं जरा सा उसकी जल्दी जल्दी चर्चा कर देता हूं आपके सामने। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो शब्द आते हैं, स्वीकृति और संस्वीकृति। यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में मान लीजिए उस पर चोरी का आरोप लगा है कि इसने चोरी की है, और यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में दंडाधिकारी के समक्ष यह स्वीकार करता है, यह कहता है कि हां साहब मैंने चोरी की है, तो इसको संस्वीकृति कहेंगे कि उसने इस बात की संस्वीकृति की है कि उसने दंडाधिकारी के समक्ष कहा है कि साहब हमने चोरी की है, तो इस बात को माना जाएगा कि हां उसने चोरी की है। इसको बोलते हैं एडमिशन। और इसको बोलते हैं एडमिशन, मतलब भी किसी चीज को मानना होता है, लेकिन कानून की भाषा में जो व्यक्ति अपने गुनाहों को दंडाधिकारी के समक्ष स्वीकार करता है उसे संस्वीकृति कहते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति जिसने चोरी नहीं की है और वह अदालत में दंडाधिकारी के समक्ष यह स्वीकार करता है कि उसने चोरी की है, तो माना जाएगा कि हां इसने चोरी की है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है या उसे मजबूर किया गया है कि तुम गुनाह नहीं किए हो, तब भी अदालत में दंडाधिकारी के समक्ष इस बात को कहो कि हां तुमने चोरी की है, तो ऐसी बातों को अनुच्छेद 20 के तहत प्रतिबंधित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा। हालांकि इसी बात को भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी परिभाषित करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए प्रताड़ित किया गया, तो उस व्यक्ति की प्रताड़ना के संबंध में जो उसने अपने गुनाहों को कबूल किया वह माना नहीं जाएगा और वह व्यक्ति सजा से बच जाए। इस बात को भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कहता है, लेकिन वह अभी हमारी लिखित परीक्षा के सिलेबस में नहीं है। हमने आपको जानकारी के लिए बताया और वर्तमान में जो हमारी परीक्षा के संदर्भ में है अनुच्छेद 20, वह यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध
गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में जो दो और बातें लिखी गई थी, अनुच्छेद 20 में वह यह थी कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और इसमें एक अन्य बातें हैं कि जिस समय अपराध हुआ है उस समय अपराध के संबंध में जो कानून था उसे के अनुसार उसे सजा मिलेगी। और इसमें जो तीसरी बात है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 20 में यह बातें बतलाई गई थी। अब हम अगली अपनी कक्षा में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 की चर्चा करेंगे। आप तब तक जो बातें बतलाई गई हैं उसको पढ़ते रहें, प्रश्न पत्र के प्रारूप को, उसके प्रश्नों को समझते रहें। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख सकते हैं। और यदि आवाज के संबंध में कोई समस्या होती है, आवाज नहीं जाती है, तो भी उस संबंध में आप बता सकते हैं। संविधान विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां से प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। अब हम अपनी अगली कक्षा में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 की बात करेंगे। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।